दोस्तों नमस्कार, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों निम्न असाइनमेंट की सॉल्यूशन अपन ने चला रखी थी और पार्ट वाइज इसी के हम क्वेश्चन अपलोड करते जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक सिंक्रोनस मोटर और एमजी सेट से रिलेटेड है और 25-25 क्वेश्चन के पार्ट अपन अपलोड करते आए हैं। दोस्तों अभी तक 277 क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं और आज के अपने इस पार्ट में 278 से लेकर के 295 तक होंगे और एक तरह से ये थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी सेकेंड ईयर वालों का हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप यदि कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी इन क्वेश्चन को ज़रूर देखें, क्योंकि कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकते हैं। सभी क्वेश्चन लास्ट तक आप ज़रूर देखें और क्वेश्चन एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करें, अपने फ्रेंड को शेयर जरूर करें और आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, यानी 278, कि कन्वर्टर का नाम क्या है। देखो दोस्तों थ्री फेज का सर्किट है, थ्री फेज एसी और इस ओर हमें दिया हुआ है वेरिएबल डीसी वोल्टेज, तो सीधी सी बात है एसी टू डीसी कर रहा है और तीन रेक्टिफायर अपन को थ्री फेज के लिए दिख रहे हैं तो एक तरह से थ्री फेज रेक्टिफायर तो हुआ। अब बात आती है कि यहाँ पर साधारण पीएन डायोड ना होकर के देखिए यहाँ पर तीसरा टर्मिनल भी दिखाया है और ये है अपने पास सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का जो एससीआर होता है वो लगा हुआ है, ना कि पीएन डायोड लगा हुआ है, इसलिए इसको इन्होंने पूरा नाम क्या दिया है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, यानी थ्री फेज का रेक्टिफायर है जिसमें एससीआर का उपयोग किया, ना कि पीएन डायोड का। अगला हमारा सवाल है कि कन्वर्टर का नाम क्या है, फिर नाम पूछा। देखो इस कन्वर्टर में क्या हो रहा है कि एक ओर आपको डीसी दिखाई दे रही है, दूसरी ओर थ्री फेज एसी सप्लाई दिखाई दे रहा है, यहाँ बीच में आर्मेचर है और ये आर्मेचर की फील्ड है, यानी इस आर्मेचर को यदि हम मैकेनिकली चलाएं तो एक ओर डीसी एक ओर एसी देगा, डीसी देकर के एसी ले सकते हैं, एसी देकर के डीसी ले सकते हैं, मीन्स ये कहलाता है रोटरी कन्वर्टर, एकल मशीन जो एसी टू डीसी, डीसी टू एसी और मैकेनिकल सप्लाई देने पर, यांत्रिक ऊर्जा देने पर एक तरफ एसी एक तरफ डीसी दोनों भी प्रदान ये कर सकता है। अगला हमारा सवाल है सिंक्रोनस मोटर परिचालन के लिए डीसी की आवश्यकता हमें क्यों होती है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का रोटर भी हमेशा सिंक्रोनस गति पर ही गतिमान होता है, उसको सिंक्रोनिज्म में बनाए रखने के लिए हम रोटर को उत्तेजित करते हैं ताकि वो सिंक्रोनस गति पर चलता रहे, सिंक्रोनिज्म में मोटर हमारी चलती रहे, यानी मोटर को सिंक्रोनस गति पर गतिमान करने के लिए हम उसको सप्लाई देते हैं। यदि एक्साइटेशन नहीं करेंगे तो वो इंडक्शन मोटर की तरह ही कार्य करती रहेगी। अगला हमारा सवाल है इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों के रूप में जो वर्क कर सकता है वह कौन होता है। इन्वर्टर करता है डीसी टू एसी और कन्वर्टर करता है एसी टू डीसी, यानी एक मशीन जो एसी को डीसी और डीसी को एसी कर सकती हो उसको हम बोलते हैं रोटरी कन्वर्टर, और रोटरी कन्वर्टर का दूसरा नाम होता है सिंक्रोनस कन्वर्टर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन इन्वर्टर का काम क्या है, तो ये तो अपनी बात हो चुकी है, इन्वर्टर डीसी टू एसी करता है, कन्वर्टर को एसी टू डीसी मानते हैं। अगला सवाल कौन सा कन्वर्टर ऐसा है जिसको हम ओवरलोड कर सकते हैं या ओवरलोड हो जाता है, तो देखिए ओवरलोड के लिए आएगा रेक्टिफायर यूनिट, क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्योंकि रेक्टिफायर यूनिट में क्या है कि ओवरलोड से प्रोटेक्शन के लिए कोई डिवाइस नहीं होती और यदि बाय चांस हमने डीसी सप्लाई के लिए लोड अधिक ऑन कर दिया तो ये यूनिट जो है ये आसानी से ओवरलोड हो जाएगी। अगला सवाल सिंक्रोनस मोटर को चलाने के लिए एक्साइटर क्यों आवश्यकता है, तो ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया दोस्तों, एक तरह से पहले भी आ चुका था, मोटर को सिंक्रोनस गति पर गतिमान करने के लिए चलाए रखने के लिए हम एक्साइटेशन यानी डीसी उत्तेजना का उपयोग करते हैं। अगला सवाल है कि कौन सा वर्क ऐसा है जिसमें केवल डीसी की आवश्यकता है, तो वो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जो एसी से कभी नहीं हो सकता, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन ये एसी डीसी दोनों में हो जाता है, इंडक्शन मोटर का परिचालन भी एसी पर हो जाता है। अगला हमारा सवाल है कि रेक्टिफायर डायोड सर्किट में एलईडी को कन्वर्टर के रूप में अवॉइड किया जाता है, हम रेक्टिफिकेशन के लिए पीएन डायोड का ही उपयोग करते हैं एसी को डीसी में बदलने के लिए, और एलईडी जो है इसको हम एक इंडिकेटर के रूप में एज ए हम लैंप के रूप में यूज करते हैं। सवाल ये पूछा गया कि हमने एलईडी को एसी टू डीसी कन्वर्टर के रूप में यूज क्यों नहीं किया। दोस्तों एलईडी जो होती है वो लो पावर डिवाइस होती है जैसा कि आप सभी जानते होंगे, और जो कन्वर्टर होता है उस पर हम डीसी का हेवी लोड भी डालते हैं, इसलिए हम इसको उपयोग में
नहीं लेते। अगला सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर का मुख्य अनुप्रयोग क्या है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर एकमात्र ऐसी मोटर है जो यांत्रिक ऊर्जा देने के अलावा पावर फैक्टर सुधारने का कार्य भी करती है, इसलिए सिंक्रोनस मोटर को हम पावर फैक्टर सुधारने के लिए अधिक वरीयता देंगे, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा के लिए तो हमारे पास और भी मोटर्स है, बहुत सी मोटर है जिनसे हम यांत्रिक ऊर्जा ले सकते हैं। पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। अगला सवाल है मोटर जनरेटर सेट का लाभ क्या है। दोस्तों हानियां तो बहुत है इसकी। अब इसका लाभ सबसे बड़ा यही होता है कि इसमें जो जनरेटर होता है ना वो सेपरेटली एक्साइटेड होता है, इसलिए उसकी आउटपुट डीसी वोल्टेज को हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, फील्ड एक्साइटेशन को हम आसानी से कंट्रोल कर लेते हैं। जबकि इसकी एफिशिएंसी कम होती है, शोर बहुत होता है और अधिक मेंटेनेंस की भी इसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत भी मेंटेनेंस की पड़ती है, क्योंकि दो दो मशीन है तो दोनों को ज़रूरत पड़ती है। अगला सवाल है कि रोटरी कन्वर्टर का एक भाग यानी पार्ट आपको दिखाया गया है, इस पार्ट का फंक्शन क्या है, क्या करता है ये भाग हमें बताइए। देखो सीधी सी बात है, कम्यूटेटर है, तो कम्यूटेटर का काम क्या है, एसी टू डीसी करना। क्या करता है, एसी को डीसी करता है और डीसी को एसी भी करेगा, दोनों काम इसके यहाँ पर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी अपना ए ऑप्शन की ओर जाएंगे, एसी टू डीसी करेंगे, क्योंकि जो प्रेरित ईएमएफ है वो एसी होता है, इसलिए उसको ये डीसी कर देता है। अगला सवाल है कि स्टार्टिंग में एक सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का उद्देश्य क्या है। दोस्तों सीधी सी बात है, डैम्पर वाइंडिंग को स्टार्ट करने के तरीके से पूछ रहा है ये, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर कभी सेल्फ स्टार्ट नहीं होती, ये ध्यान रखें। इसका कारण क्या है, प्रत्येक आधे चक्कर के बाद यानी रोटर जैसे ही हाफ चक्कर आगे घूमता है तो रोटर पर लगने वाले बल की दिशा यानी टॉर्क की दिशा बदल जाती है और वो फिर से आधे चक्कर वापस वहीं आ जाता है, इसलिए हमें स्टार्ट करने के लिए डैम्पर वाइंडिंग उपयोग करते हैं। साथ में ये हंटिंग से भी प्रोटेक्शन करती है, हंटिंग से भी बचाव कर देती है, जो मैग्नेट जो है उसको बनाए रखने के लिए, स्टार्टिंग के लिए, टू प्रोड्यूस ए हाई मैग्नेटिक फील्ड टू मेंटेन कॉन्स्टेंट स्पीड, लगातार एक नियत गति से घूर्णन करता रहे, इसलिए हम उसको लगाते हैं। वैसे इंडक्शन मोटर की तरह स्टार्ट होता है स्टार्टिंग के समय। अगला हमारा सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस गति पर क्यों नहीं चल पाती है, कारण क्या है, यानी एक सिंक्रोनस मोटर ऐसी है जो सिंक्रोनस गति प्राप्त करने में फेल हो जाती है, स्टार्ट तो हो गई लेकिन सिंक्रोनिज्म में नहीं आई। दोस्तों इसका कारण है अपर्याप्त उत्तेजना यानी अनसफिशियंट एक्साइटेशन। मजबूत चुंबकीय फ्लक्स यदि नहीं बनता है तो रोटर जो है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, मैग्नेटिक लॉकिंग का उपयोग नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला सवाल है कि सिंक्रोनस मोटर को सिंक्रोनस कंडेंसर के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है। दोस्तों सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर रोटर की एक्साइटेशन पर डिपेंड करता है, रोटर की उत्तेजना परिवर्तित करके हम इसे तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं, और जब रोटर ओवर एक्साइट करते हैं उस समय ये पावर फैक्टर सुधारने के लिए उपयोग में ली जाती है और उस समय हम इसको सिंक्रोनस कंडेंसर कहते हैं। रोटर की उत्तेजना बदलेंगे तो ओवर एक्साइट होगी और पावर फैक्टर सुधारने वाली डिवाइस के रूप में ये यूज की जाती है। अगला हमारा सवाल है सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या है। तो डैम्पर वाइंडिंग जो है, अभी सी ऑप्शन आएगा, पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, मेंटेन कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, यानी सिंक्रोनिज्म में बनाए रखने के लिए ज़रूरी होती है और हंटिंग से भी बचाव करती है, वो भी ऑप्शन आप ध्यान रखें, इसमें तो ऑप्शन नहीं था। अगला सवाल है कि कौन से कन्वर्टर की एफिशिएंसी मैक्सिमम है। तो सबसे अधिक दक्षता रेक्टिफायर वाले की ही होती है, एससीआर हो या अपना पीएन रेक्टिफायर हो, हाफ वेव फुल वेव किसी भी प्रकार का। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, बाकी सबसे कंपैरिजन करेंगे तो। अगला हमारा सवाल है कि कैसे एक सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के रूप में वर्क करती है। तो ये भी रिपीट हो गया एक तरह से, यानी सवाल पूछा गया कि सिंक्रोनस मोटर से पावर फैक्टर हम कैसे सुधार सकते हैं। तो पावर फैक्टर जो इसका है वो रोटर की एक्साइटेशन यानी फील्ड उत्तेजना पर निर्भर करता है, और फील्ड की उत्तेजना को हम परिवर्तित करके इसके पावर फैक्टर को भी बदल सकते हैं और मोटर को यूनिटी, लैगिंग और लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर ऑपरेट करवा सकते हैं। तो बस दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन, और थर्ड सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर का हाफ सिलेक्शन मशीन से रिलेटेड टॉपिक अपना कंप्लीट इसमें हो चुका है।
वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी आगे इसे शेयर ज़रूर करें।